अविद्या के पांच पर्व होते हैं। अविद्या में, अज्ञान में पांच गांठें होती हैं। तो उन पांच गांठों को खोलने के लिए, छोड़ने के लिए, उनसे मुक्त करने के लिए पहले पांच साधन बताए गए। उसमें अविद्या की सबसे मोटी और स्थूल गांठ है अभिनिवेश। अभिनिवेश माने जिद। समझते तो कुछ खाप नहीं, न जीव को, न ईश्वर को, न जगत को, दुनिया की किसी चीज को ठीक ठीक नहीं समझते, और जिद ऐसी रखते हैं, आग्रह ऐसा होता है जैसे हम ईश्वर से भी ज्यादा बुद्धिमान हैं। ईश्वर की गलती, ये गलती, ये गलती, ये गलती। आज वर्षा ज्यादा कर दी तो ईश्वर की गलती है, कल गर्मी ज्यादा डाल दी तो ईश्वर की गलती है। अपनी समझ का इतना आग्रह, इतनी जिद है कि न ईश्वर को माने, न देवता को माने, न गुरु को माने, न अनुभवी को माने। सबसे मोटी गांठ जीवन में ये है अभिनिवेश। हम ऐसी थैली में घुस गए हैं, हम ऐसे कमरे में बंद हो गए हैं और ऐसे कस गए हैं दुनिया में कि ढीले नहीं पड़ते हैं, और जीवन में कहीं लचक है ही नहीं, उससे कुछ कम दर्जे की गांठ है जो हम दूसरों से द्वेष करते हैं। अपने देह में और देह के संबंधियों में और अपने व्यवहार में, समझदारी में जो आग्रह है, दुराग्रह है, जिद है, वो बेवकूफी का ही सबसे मोटा रूप है, ना समझी का। अविद्या की सबसे बड़ी गांठ है। अच्छा, उससे हल्की गांठ होती है द्वेष की। किसी को देख के ही जलन होने लगती है मन में, किसी की याद आने पर जलन होती है, किसी का नाम लेने पर जलन होती है। द्वेष माने दिल की आग, जलन। ज्वलनात्मकश चित्त वृत्ति विशेष द्वेष। द्वेष क्या है? दिल में एक जलन की दूसरे काम के काम से, दूसरे की चीज से, दूसरे आदमी से एक जलन की वृत्ति रहती है, दिल जलता है, उसी को बोलते हैं द्वेष। ये दूसरे को बाद में जलाता है, अपने को पहले जलाता है। आग जिस लकड़ी में होती है उसको पहले जलाती है, और जिसको छूती है उसको बाद में जलाती है। उससे हल्की वृत्ति है राग। रंग चढ़ जाता है दूसरे का, हो हम मरे तो मरे, लेकिन ये आत्म कल्याण की भावना जो है वो राग में नष्ट हो जाती है। किसी से राग हुआ तो अपनी भलाई की बात तो छूट जाती है,
जिससे राग हुआ उसकी भलाई सोचती, सबकी नहीं सोचती, उसमें प्रांत की कि राष्ट्र की कि विश्व की कि जाति की कि मजहब की कि मानवता की, वो भलाई नहीं सोचती। हो राग हो जाने पर जिसके रंग में हम रंग जाते हैं, अब देख लो आपको ज्यादा याद किसकी आती है, आप ज्यादा किन लोगों में रहना चाहते हैं, आपकी जीभ पर नाम किसका ज्यादा आता है, तो ये रंग गया है हमारा मन किसी के रंग में, उसको राग बोलते हैं। उससे भी सूक्ष्म वृत्ति क्या है, अस्मिता, अपना अहम, अहम पर चोट अगर अपना मित्र भी लगा ले तो आदमी तिलमिला उठता है। वो ये अस्मि शब्द जो है ये उर्दू में अस्मत बना हुआ है, वो अस्मत संस्कृत में भी अस्मत बनता है और उर्दू में भी अस्मत बनता है। अस्मत माने इज्जत, जैसे कोई औरत हो ना, पतिव्रता हो सती हो तो उसकी जो इज्जत है सतीत्व है उसको अस्मत बोलते हैं। जब सतीत्व नहीं रहा तो अस्मत जो है ना वो मिट गया। तो अस्मि और संस्कृत में अस्मत शब्द होता है मैं के लिए, जुस्मत अस्मत, तुमको जुस्मत बोलते हैं अपने को अस्मत बोलते हैं। इसी से अहम आवाम वयम त्वाम जुबाम स्वाह जुयम, ये बनता मैं और तुम। अरे बाबा ईश्वर भी कभी अपने अहंकार पर चोट मार दे तो चार गाली देंगे उसको, और गुरु अपने शिष्य है चेले चेले उनको अभिमान है कि हम बड़े धर्मात्मा हैं बड़े पवित्र हैं। एक दिन गुरु जी बोल दे कि ये व्यभिचारी है अनाचारी है बदमाश, अरे महाराज वो गुरु को मारने को तैयार हो जाएंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि हमारे भीतर जो छिपा हुआ अहंकार था उसको शीशे में दिखाने के लिए प्रत्यक्ष दिखाने के लिए इन्होंने हमारे अहंकार पर चोट मारी है, कि हमारे भीतर जो अहम भाव भरा हुआ है उसका हमको पता चल जाए, क्योंकि अपने को भी तो पता नहीं होता है ना कि कितना अहम भाव है। और सबसे बड़ी अविद्या की गांठ है ना समझी, ना समझी। एक मित्र थे हमारे बड़े सज्जन सत्पुरुष थे, उन्होंने अपने डबल एमए का सर्टिफिकेट फाड़ के गंगा जी में फेंक दिया कि हम अपने सर्टिफिकेट के बल पर कोई पद कोई योग्यता ग्रहण नहीं करेंगे। तो एक दिन इसका वर्णन कर रहे थे कि हमने अपना सर्टिफिकेट गंगा जी में फेंक दिया फाड़ के फेंक। तो मैंने दो मिनट के बाद कह दिया कि बेचारे ने किसी तरह एमए पास कर लिया। हिंदू विश्वविद्यालय के अरे महाराज ऐसे नाराज हुए मेरे ऊपर, बिल्कुल आग बबूला हो गया। गर्दे जी थे पंडित लक्ष्मण नारायण जी गर्दे, वो भी साथ ही थे, हम लोग घूम रहे थे। तो उन्होंने उनकी ओर देख के मुस्करा दिया, बोले क्यों भाई तुमने तो कहा कि हमने सर्टिफिकेट गंगा जी में फाड़ के फेंक दिया, अरे तुमने तो उससे भी बड़ा सर्टिफिकेट का अहंकार अपने भीतर रख छोड़ा है। तो सर्टिफिकेट को फेंक दिया लेकिन उसका अहंकार जो है वो बड़ा प्रबल होकर के रहता है। तो ना समझी से हम समझते हैं कि हम एकदम निरहंकार हो गए, हमारा किसी से राग नहीं है किसी से द्वेष नहीं है। तो उसको जाहिर करने के लिए कभी कभी कुछ न कुछ करना पड़ता है, तब आदमी को मालूम पड़ता है कि हमारे अंदर क्या क्या भरा पड़ा है, वैसे पता नहीं लगता। सांप वैसे तो लेटा रहता धरती में या गेंडूर मार के कुंडली बांध के, जरा एक कंकड़ फेंको उसके ऊपर ओ उपकार के खड़ा हो जाता है। तो ये जो सांप है काम के क्रोध के लोभ के मोह के वो हमारे दिल में बैठे रहते हैं। तो अविद्या की ये पांच गांठ है,
इन पांचों को खोलने के लिए, मुक्ति देने के लिए पहले पांच अध्याय। जैसा तुम अपने को मानते हो उसके विरुद्ध जब तुम्हारे ऊपर आरोप किया जाता है तब पता चलता है कि ये नासमझी ने तुमको कहां भटका दिया है, कहां अटका बौखला पड़ता था। तो ये पांच जो अध्याय हैं इनमें अविद्या की पांच गांठों का निवारण है। उसके लिए सरल भाव से जीवन व्यतीत करना, किसी को हानि पहुंचाने का ख्याल नहीं रखना, भाई भतीजे का, रिश्तेदार नातेदार का पक्षपात नहीं करना, अपनी परिच्छिन्नता को काटने के लिए विचार करना और अपनी नासमझी को दूर करना, अविद्या को निवृत्त करना। उसके बाद 24 अध्यायों में प्रकृति के जो 24 विभाग हैं उनका बंधन मिटाने के लिए धर्म और भक्ति का वर्णन है। 24 और 5 कितने होते हैं? 29। और दो अध्यायों में नाट्य परित्याग, अभिनय परित्याग रूप मुक्ति है। परमेश्वर ने जो जदुवंशियों का रूप धारण किया था वो एक नाटक था, उस नाटक को छोड़ने का वर्णन है दो अध्याय। इस तरह 31 अध्याय बहुवचन है और 31 भी व्याकरण की रीति से बहुवचन में प्रयुक्त होता है। 31 देखने में तो मालूम पड़ता है एक वचन, लेकिन 20-30 आदि जो शब्द हैं वो एक वचन होने पर भी बहुवचन ही होते हैं। 31 अध्याय 11वें स्कंद में है, इसका नाम है मुक्ति स्कंद। अच्छा, तो पहले पैराग्राफ का अर्थ आपको सुनाता हूं। पहला परिच्छेद मैंने विभाग करके पांच श्लोकों का पहला विभाग एक कर देते हैं। आप पांच श्लोक पढ़िए 11वां स्कंद का और उसका अभिप्राय। इन पांच श्लोकों में ये बात कही गई है, शब्दार्थ, शब्द का शुद्ध रूप और उसका अर्थ समझना, ये पंडिताई का काम है। बोले ये संत विभाग में नहीं आता है, ये तो हम लोग ऐसे ही पंडिताई दिखा देते हैं कभी कभी, ये साधु विभाग में नहीं है, वो पंडित विभाग में है। शब्द की धातु क्या है, उसमें प्रत्यय क्या है, उसके रूप कैसे होते हैं, उसका अपने अर्थ के साथ संबंध क्या है, ये सब बड़े बड़े विद्वानों का काम है। तात्पर्य देखो, इसका सार क्या है। तो ये हुआ कि पहले तो पांडवों से और जदुवंशियों से भगवान ने जो दुष्ट दैत्य दानव हो गए थे मनुष्य, उनका वध करवाया। ये पृथ्वी के भार है एक बार। फिर वो भार कैसे उतारा, तो इसका वर्णन है कि पहले पांडवों को क्रुद्ध बनाया, कौरवों ने बेईमानी का जुआ खेला, उनकी पत्नी का बाल पकड़ा, उनका तिरस्कार किया, उनको जहर दिया, ये सब भगवान ने करवाया। तो क्यों करवाया? तो पांडवों को क्रोध आ जाए, जनजातियों को क्रोध आ जाए, इसके लिए करवाया। क्योंकि जब उनको क्रोध आवेगा तब उन दुष्टों को वे मार डालेंगे। एक बार इसके बाद कहते हैं, इतने दुष्ट दैत्यों का वध होने पर भी भगवान को संतोष नहीं हुआ। मन्ने वने ननु गतो जगतम विवार, बोले अभी धरती का बाहर नहीं उतरा। क्यों? बोले अभी जदुवंशी हैं और ये बड़े भयंकर हैं। वो तब उन्होंने कहा कि अच्छा, जदुवंश का नाश कैसे हो? तो अंतकलिम जदुकुलस्य विधाय, इनमें जब परस्पर का झगड़ा हो जाएगा तब इनका नाम होगा। तो भगवान ने ये विचार किया, एवं व्यवसितो बुद्धिया,
भगवान ने ऐसा निश्चय किया हो। एवं व्यवसितो राजन सत्य संकल्प ईश्वर सहपव्याजेन विप्राणाम संजहरे स्वकुलम विभु संजहरे। फिर भगवान ने ये निश्चय किया कि जदुवंश का नाश होना भी आवश्यक है। तब उनका नाश कैसे होगा? तब वो बड़े बड़े जो ज्ञानी महात्मा हैं उनके साप से होगा। और इस तरह भगवान ने अपने वंश का उपसंहार किया, उसको समेट लिया। ये देखो पांच श्लोकों का अर्थ, शब्द से अर्थ नहीं किया हो उसका भाव होता है। अब आप इस पर विचार करो। पहली बात तो ये है कि अपने जीवन में जो दोष वो विपरीत धारणा से मिटे। जैसे आपके मन में काम है तो ब्रह्मचर्य का संकल्प लो। अक्रोध है न जय क्रोधम, आपके मन में क्रोध आता है तो आप निश्चय करो कि हम कभी क्रोध नहीं करेंगे। आपके मन में बेईमानी से धन कमाने की बात आती है वो आपसे किसी काम नहीं आवेगा, आपको नरक में ले जाएगा। आप नरक न मानते हो तब भी वो दूसरे के हाथ में है। ये जो आप इकट्ठा कमाते हैं, इकट्ठा करते हैं, वो अपने लिए नहीं करते हैं। वो तो जैसे मजदूर मालिक के लिए काम करता है, वैसे आप मजदूर बन करके अगली पीढ़ी के लिए काम कर रहे हैं। आप मालिक नहीं हैं, आप अगली पीढ़ी के मजदूर हैं, क्योंकि अपने लिए काम नहीं करते हैं। हम तो दूसरे के लिए करते हैं, अपने लिए तो बहुत थोड़ा चाहिए, उसके लिए इतना थोड़ी चाहिए। साधु लोग खूब हंसी उड़ाते हैं, बोला इसमें आप जैसे गृहस्थ लोग, जैसे आजकल के नौजवान लोग साधुओं की हंसी उड़ाते हैं ना, वैसे साधु लोग भी बोला वो छोड़ते नहीं है, किसी को बकसते नहीं है। आप ये बोझ अपने दिमाग पर लाद के कहां ले जा रहे हैं मालूम है? वो आपके काम नहीं आवेगा। दर्पी पाकर समझता, जैसे कलछी बहुत बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाती है, हलवा पकाती है, खीर पकाती है, उसको चलाती है, पर बिचारी कलछी के काम तो कुछ नहीं आता, ना हलवा खाती है ना खीर खाती है। वो जैसे दूसरे के लिए पकाती है वैसे आप लोग तो चमचे हैं किसी के। चम्मच है, चम्मच चम्मच चाय उठाता है और अपने स्वयं थोड़े पीता है, दूसरे के मुंह में डालता है। ऐसे सेठों के पास चमचे लोग होते हैं और वो उधर स्त्री ले आते हैं तो उधर शराब ले आते हैं चोरी से, वो उधर कमाई का कोई ढंग बताते हैं और वो तारीफ करते हैं, तो उनको तो कुछ हाथ भी लगे, पर चमचा जो है वो तो चमचे ही है। तो ये मनुष्य का जो जीवन है वो नारायण कि को लाभ पहुंचाने के लिए स्वयं श्रमिक हो गया है, मजदूर हो गया है, रिश्तेदारों के लिए, नातेदारों के लिए। तो भगवान ने फिर अंतःकली उत्पन्न की। अंतःकली, अब आप देखो मन में काम हो तो ब्रह्मचर्य से, मन में लोभ हो, लोभ के दो काम हैं, एक तो अन्याय से दूसरे की कमाई को हड़पना, ये जो चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, ये लोभ का विलास। और जो बहुत ज्यादा इकट्ठा करते हैं जरूरत से ज्यादा, वो भी लोभ का ही विलास है। लोभ दो रूप में आता है आपके लिए, बेईमानी से दूसरे का माल ले लेना और अपने पास बहुत सारा इकट्ठा करना, और इकट्ठा करने के बाद भागवत में शब्द है एक जक्षवित्ता पतत्यधा। जैसे किसी के घर में धन गड़ा हो ना तो उस पर आके एक देवता बैठ गया, किसी किसी के धन पर आके सांप बैठ जाता है, वो पहले धरती में गाड़ देते ना, तो सांप आके उसको दबा के बैठ देते, उस पर सांप बैठ देते, बाप दादा परदादा सांप होकर बैठ। वो आदमी भी ठीक वैसे ही हो करके बैठा है जैसे कोई धन को काम में तो ले न सके और उसकी पहरेदारी दिन रात करनी पड़े
और कहीं किसी को उस राग न लग जाए, जक्षवित्त उसको बोलते हैं, जक्षों का सा स्थान है वो, मान वो उनके अपने काम नहीं आता है, वो तो उसके पत्रदारी पत्रदारी करते हैं। तो ये सब दोष मनुष्य के जीवन में रहता है। तो इन दोषों को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? बोले भाई, मन में तो दोष रहता ही है, आपका मन चंचल रहता है, आपके मन में संसार का ही ज्यादा ख्याल रहता है। आप देखो, आप अपने मन में सोच के देखो, बताते नहीं हैं, अपने दिल पर हाथ रखते हैं। जब हम दूसरे के बच्चे की चर्चा करते हैं तब आप अपने बच्चे की चर्चा शुरू कर देते हैं, जब हम दूसरे के धन की चर्चा करते हैं तब आप अपने धन की चर्चा शुरू करते हैं, जब हम दूसरे के फल मनसाहत की चर्चा करते हैं तो आप अपनी फल मनसाहत की चर्चा शुरू कर देते हैं। माने आपका मन कितना अपने घेरे में कैद हो गया है, इसी का नाम तो बंधन है, इसी का नाम बंधन है। इसी से मुक्ति के लिए एक माई थी, अब तो मर गई नहीं है, और यही मुंबई में हो, उसके सामने अगर किसी के धन की, किसी के परिवार की, किसी के बेटे की, बेटी की जरा सी चर्चा छिड़ जाए जरूरी, तो वो बीच में अपने रिश्तेदारों की चर्चा बोलने लगती थी, वो पहली बात जो थी वो तो बिल्कुल कट जाती थी, बंद हो जाती थी, उसके रिश्तेदारों की चर्चा शुरू हो जाती थी। आदमी अपने आप में कितना डूब गया है, हे भगवान। बोले अंतःकलिम यदुकुलस्य विधायो, भगवान ने कहा कि इनमें जब भीतरी फूट पड़ेगी, जब काम के सामने आके ब्रह्मचर्य का संकल्प खड़ा होगा, जब लोभ के सामने आके त्याग का संकल्प खड़ा होगा, जब क्रोध के सामने अहिंसा का संकल्प खड़ा होगा, जब असत्य के सामने सत्य का संकल्प खड़ा होगा, तो ये जो सद्गुण हैं, इनको भगवान की शक्ति प्राप्त है, ये दुर्गुणों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। इसको किसी को जोग बोलते हैं। शरीर में चंचलता है उसको आसन से मिटाइए, सांसों में चंचलता है उसको प्राणायाम से काबू में कीजिए, इंद्रियों में चंचलता है उसके लिए इंद्रियों में प्रत्याहार बताइए। यदि साधन नहीं करेंगे, इसी का नाम योगाभ्यास होता है, यदि साधन नहीं करेंगे तो ये जो बिना सोचे समझे बेवकूफी की आदतें जीवन में आ गई हैं, ये छूटेंगी नहीं, और ये आपको आज नहीं तो कल बहुत दुख देने वाले हैं। तो एक बात तो ये हुई। अच्छा, आप कहो कि भाई समूचे ही जो है वो विक्षेप है, काम क्रोध लोभ मोह की बात तो अलग है, ये तो समूचे ही संसार विक्षेप है। तब विक्षेप है तो आप इसको शांति से विजय प्राप्त कीजिए। आपका मन सोता नहीं है, वो चिड़चिड़ा हो गया, बहुत चिड़चिड़ा, वो विश्राम करना तो जानते ही नहीं है, या तो डॉक्टर की गोली होए, या तो नशा होए, या तो प्रकृति नींद में डाल दे आपको, तब आपके मन को विश्राम मिलता है। आप जान बूझ कर थोड़ा, आपका नौकर सोता तो है परंतु चोरी से, आप उसको सोने की छुट्टी नहीं देते। आप सोच कर और वो आपके बाथरूम में चोरी से तेल लगा ले, साबुन लगा ले, वो बात दूसरी है, आप उसको साबुन तेल नहीं देते। वो जब दोपहर को आप ऑफिस में जाए तब वो सिनेमा देखने चले जाइए तो होता है, लेकिन जानबूझ के आप कभी उसको सिनेमा देखने की छुट्टी नहीं देते। तो जो आपका मन है इसी से चोर हो गया, इसी से बेईमान हो गया। आप अपने मन को थोड़ी शांति दीजिए, थोड़ा विश्राम दीजिए। उसको जब अपने घर में सुख नहीं मिलता है तब दूसरे के ऊपर क्रोध करने जाता है, दूसरे के काम से ग्रस्त होता है, दूसरे का लोभ करता है, दूसरे के लिए चंचल होता है। गलती आपकी है, ये मन तो नौकर है बेचारा, आखिर करे तो क्या करे। तो उसको थोड़ी शांति, दिन रात 24 घंटे खड़े तो नहीं भाई, थोड़ी देर तू सो जा, आओ थोड़ा विश्राम कर ले, और थक गया। तो जान बूझ करके जब आप मन को विश्राम देंगे तो उसका नाम योग हो जाएगा, वो उसी का नाम योग होगा। जो प्रकृति विश्राम देती है उसका नाम योग नहीं है,
और जो भोग के सुख मिलता है उसका नाम योग नहीं है। जो जा के सुख मिलता है, जो गुस्से गुस्सा उतारने का सुख मिलता है उसका नाम योग नहीं है। योग माने उसको कल एक सज्जन कह रहे थे कि महाराज टीवी में जो रविवार को किस्सा कहानी आने लगा वो आता है ना कुछ, बोले इससे बहुत बढ़िया एक बात ये हुई है कि हम घंटे दो घंटे अपने बाल बच्चों में बैठ के देखते हैं, और नहीं तो हम तो बैठते ही नहीं थे, कल ही सुना दे। माने इस तरह हम अपने बाल बच्चों को अपने साथ बैठा के बीच बीच में बात भी कर लेते हैं, देखते भी रहते हैं, नहीं तो बच्चों से मिलने का मौका ही नहीं मिलता था। तो आपका ये जो मन बच्चा है ना, उसको आप अपने पास बैठते हैं, बैठाते नहीं, उसके पास बैठते नहीं, उससे बात करते नहीं। एक हमारे बड़े सत्संगी हैं, यही हो, एक बार मथुरा से चले बंबई के लिए, तो वो कहीं आगे से आ रहे थे, मिल गए। अच्छा, उन्होंने एयर कंडीशन में बैठे, उनको अपना एक दुख सुनाया कि महाराज हम सत्संग में जाते हैं बड़ा आनंद आता है, लेकिन जब घर लौटते हैं तो श्रीमती जी वो सुनाती हैं, वो गरजती हैं, और कि सत्संग का सारा आनंद हाथ चला जाता है। तो मैंने उनसे कहा कि तुम उसको 24 घंटे में कितना समय देते हो, 8-10 वर्ष की बात। तो बोले कि हमको तो समय ही नहीं मिलता है, सवेरे जाते हैं प्रेम कुटीर और फिर लौट के आते हैं तो चले जाते हैं ऑफिस, और फिर इधर घूमने चले जाते हैं और आके खाते हैं, सो जाते हैं, उससे बात करने का तो हमको मौका नहीं मिलता है। और तो मैंने कहा तुम नियम करो 2 घंटे उसके पास बैठने का, उसके पास बैठ के बात करने का। तो कहा अच्छी बात है, करते हैं। हे भगवान, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन वो उसके पास बैठे तो उसने कहा कि ये तुम्हारे अंदर परिवर्तन कैसे हुआ, समय कहाँ से तुमको मिला हमारे पास बैठने के लिए। तो उन्होंने बता दिया कि स्वामी जी ने कहा। अच्छा, स्वामी जी ने कहा है, उनका ये ख्याल है कि तुम्हें हमारे पास बैठना चाहिए, हम तो समझते थे कि साधु बना के तुमको ले जाएंगे, है ना। अच्छा तो चलो हम भी सत्संग में चलते हैं। वो दूसरे तीसरे दिन से हो और सत्संग में आने लग गई, बहुत सेवा करने लग गए। तो आप अपने मन को अपना समय नहीं देते, उसको अपनी गोद में नहीं सुलाते हो, उसको अपनी गोद में नहीं सुलाते हो, अपना प्यार नहीं देते हो। कहते हैं पत्नियां कहती हैं हमारे पास बहुत सारी शिकायत लेके आते हैं, तो महाराज ये हमको कभी घुमाने के लिए बाहर नहीं जाते, नहीं ले जाते, हमको घुमाते नहीं, हमारे पास बैठते नहीं है, लोग हमसे बात नहीं करते हैं। तो चिड़चिड़ी हो गई है, वो आते हैं पति देव तो वो पांव फैला के सोई हुई मिलती है, चाय नहीं बनाती लोग। तो आप अपने मन को थोड़ा अपना समय दीजिए, उसको अपने साथ रखिए, उसको बड़ी शांति मिलेगी। मालिक हमारा इतना अदब करता है, अपने पलंग पर बैठाता है, अपने साथ सुलाता है, उसको बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी होगी और शांति हो जाएगी। तो मन की जो शांति है वो विक्षेप मात्र को ही नष्ट करने वाली होती है। आपके जीवन में जितना विक्षेप है, आपको विचिक्षिपिषा नहीं है, आप ये नहीं चाहते कि विक्षेप हो, लेकिन विक्षेप होता है, और इस विक्षेप के निवृत्ति का उपाय है शांति। तो ये जदुवंश के द्वारा और पांडवों के द्वारा दुष्टों का विध्वंस, और फिर इनमें आपस में तो वो दान करने में लगे हैं, वो दया करने में लगे हैं, वो परोपकार में लगे हैं, तो इसमें भी तो विक्षेप बहुत है। परोपकार में भी विक्षेप होता है, दया में भी विक्षेप होता है, दान में भी विक्षेप होता है। तो थोड़ी देर शांति चाहिए, जिसमें आप परोपकार भी न कर रहे हो, दान भी न कर रहे हो, दया भी न कर रहे हो, थोड़ा ऐसा समय आपके जीवन में चाहिए कि शांति से आनंद से बैठें। तो भगवान ने सात्विक वृत्तियों में तमोगुणी और रजोगुणी वृत्तियों को नष्ट करने के लिए तो सात्विक वृत्तियों का सहारा लिया,
जसवंत पांडव का, और सात्विक वृत्तियों में दया और शांति। देखो, दया करने जाओगे तो शांति कहां से रहेगी, दान करने जाओगे तो शांति कहां से रहेगी, उपकार करने जाओगे तो शांति कहां से रहेगी। तो शांति को अपने साथ बैठा के भगवान ने और जो विक्षेप था, धर्म का विक्षेप उसको भी छोड़ दिया, और सद्वृत्तियों का जो विक्षेप था उसको भी छोड़ दिया। ये वेदांत है। अब देखो वेदांत के बाद तेज धर्म धर्म उभे सत्या नृते त्यज, उभे सत्या नृते त्यक्त्वा जीन त्यजसी तन त्यज, तेज धर्म संकल्पा अधर्मम चाप्यलिप्सया, उभे सत्या नृते बुद्धिया बुद्धिम परम निश्चयात्। धर्म छोड़ो अधर्म छोड़ो, सत्य छोड़ो झूठ छोड़ो, सच और झूठ दोनों को बुद्धि से छोड़ो, और बुद्धि को परमात्मा के ज्ञान में स्थित होकर छोड़ो। तो धर्म कैसे छोड़े का संकल्प न करो, संकल्प छूट जाएगा तो धर्म छूट जाएगा। अधर्म कैसे छूटेगा, तो मन में से लोभ निकालो। लोभी आदमी जो जल्दी से करोड़पति बनना चाहता है ना, अरबपति बनना चाहता है, रात भर में करोड़पति बन जाए बोले जुआ खेल, रात भर में करोड़पति बन जाए तो उनकी गांठ काट लो। लोभी आदमी पाप करता है, दुश्मन को मारेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। लोभी आदमी पाप करता है, लोभ पाप कर भू, ये चाहिए ये चाहिए, लोभ छोड़ दो अधर्म नहीं करोगे। और निश्चय करो बुद्धि से, विचार करो कि क्या सच है दुनिया में क्या झूठ है। तो देखोगे दुनिया में न कुछ सच है न कुछ झूठ है। ये दुनिया के लोग जिस चीज को सच मान करके फंसे हुए हैं ना, वो तो खंडन बाज है। न आज तक कोई राज रहा, न आज तक कोई पार्टी रही, न आज तक कोई देश रहा, न आज तक कोई नेता रहा, न आज तक कोई धनी रहा, न आज तक कोई हमेशा के लिए गरीब रहा। ये दुनिया जब सामने जैसी आती है उसी में हम फंस जाते हैं। न तदस्ति न यत् सत्यम, ये वेदांत है। न तदस्ति न यत् सत्यम, न तदस्ति न जन्मृषा, ऐसी कोई चीज दुनिया में नहीं है जो सच न हो, और ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया में जो झूठी न हो। यथा जे निर्णीतम तथा तम प्रतिष्ठितम, आपके मन में एक निर्णय हो गया है कि ये सच है और एक झूठ है, और कुछ दूसरे लोगों ने मर दिया है, कुछ संस्कारों के अनुसार आ गया है, कुछ आपकी बेअकली से आ गया है। अपनी बेअकली है, दूसरों का भरा हुआ है, अपने दोषों के कारण है, संस्कारों के कारण है, नारायण। जिसने जिसके मन में जो बात जैसी बैठ गई, जिसने अपन में अपने मन में जैसा बैठा लिया हो, हिंदू समझता है कि हम बहुत बड़े हैं, मुसलमान बहुत छोटा है, मुसलमान समझता है हिंदू काफिर है, बुद्ध परस्त मूर्ति पूजक, तोड़ तोड़ के मूर्ति और मार मार के इनको ऐसे हो। हिंदू लोग कहते हैं मस्जिद गिरा के इनको ठीक करो, ये सब कहां से आया हो। वो ये मत समझो कि वो ऐसा नहीं सोचते नहीं है, उन्होंने सचमुच ऐसा सोच लिया। ये बुद्धि ने हमको ये सच है ये झूठ है ऐसा बुद्धि ने गढ़ के उस मनगढ़ंत में हमको फंसा दिया है। तो ये बात कैसे दूर होगी, बोले परम निष्ठया, जब तुम्हें परमात्मा का ज्ञान होगा, परमात्मा के सच्चे स्वरूप में, तब आप देख सकोगे कि वो मंदिर में भी है, मस्जिद में भी है, चर्च में भी है, मंदिर मस्जिद चर्च से निराला भी है, इनमें किसी में वो बंधा हुआ नहीं है। ईश्वर हिंदू भी है, मुसलमान भी है, न हिंदू है न मुसलमान है, सबसे निराला है। उस परम तत्व का जब निश्चय करोगे तब ये बात मालूम पड़ेगी। तो ये परमात्मा अद्भुत है, अद्भुत है। अब एक दूसरी बात आती है, जनवंश का नाश क्यों हुआ, इसको शास्त्र में, शास्त्र की भाषा में इसको अन्यथा अनुपत्ति प्रमाण बोलते हैं, अनुपलब्धि अर्थापत्ति अनुपलब्धि अर्थापत्ति प्रमाण, अर्थापत्ति प्रमाण इसको बोलते हैं, अन्यथा अनुपत्ति।
पांडव लोग क्यों मर गए, जदुवंश क्यों मर गया, क्यों नाश हुआ, श्री कृष्ण के पांव में बाण क्यों लगा, ब्राह्मण लोगों ने श्राप क्यों दिया। बोले भाई ईश्वर तो सर्वसमर्थ है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम ईश्वर, ईश्वरों भी तदन्यथा कर्तुम अन्यथा कर्तुम ईश्वरों भी। भगवान चाहते तो जदुवंश का नाश ना होता, भगवान चाहते तो पांडव का नाश ना होता, भगवान चाहते तो द्वारकापुरी समुद्र में नहीं डूबते, भगवान चाहते तो अपने शरीर को ज्यों का त्यों लाखों बरस तक रख लेते। इसका क्या मतलब हुआ, जो कुछ हुआ उसमें भगवान की इच्छा मौजूद, वो चाहते थे कि ऐसा ही हो। सातव्याजेन विप्राणाम संजरे स्वकुलम विभु, ब्राह्मणों के साप का तो बहाना बनाया, ये भी एक अच्छी सी बात है। ये जो संसार की अविद्या की निवृत्ति होगी वो सदगुरु के वचन से होगी। ये जो विस्तार है, विस्तार ये विस्तार कैसे मिटेगा, बोले वो विस्तार जो है विस्तार मिटेगा कहां से, जब गुरु जो है, जो सदगुरु है, विद्वान है, महापुरुष है, सत्पुरुष है, भगवान भी जब इस दुनिया को मिटाना चाहेंगे तो स्वयं नहीं मिटाएंगे वो, और तत्व ज्ञानी बोलेगा ब्रह्मा अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, अद्वितीय है, तेरे सिवाय कुछ नहीं है, सब मिथ्या है। नारायण ये साप यही है, वो शब्द जो धातु है ना जिससे साप शब्द बनता है, उसी से शब्द शब्द भी बनता है, शब्द 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 शबंती अनेना, बोलना वाणी शब्द वाक्य महावाक्य, महावाक्य ही जदुवंश का क्षय करके और श्री कृष्ण को रखता है, महावाक्य ही श्री कृष्ण को शरीर छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित करने के लिए सबसे बड़ा प्रमाण है। ये शास्त्र का अभिप्राय, इसका नाम है वेदांत बुद्धि परम अनिश्चय। और अब एक बात से तो अन्यथा उत्पत्ति वाली बात सुना, हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे, एक हमने किया हमने किया हमने किया, एक दुनियादारी की बात, बिना तुम्हारे किए कुछ दुनिया में होता है कि नहीं, ये सोचो। मैंने दुनिया की बात नहीं करते हो, अपने शरीर में होता है कि नहीं, कि आप चाहते हो कि हमारे बाल सफेद हो जाए, क्यों होता है, हमारे दांत टूट जाए चाहते हो, नहीं चाहते हो, कि हमारा बंधु वियोग हो जाए, हमारे जो बंधु बांधव हैं, हमारे जो चिर बंधु हैं, प्रिय बंधु हैं, तो उनका वियोग हो जाए आप चाहते हो कि नहीं चाहते, हम बूढ़े हो जाए चाहते हो कि नहीं चाहते, हमारे शरीर में रोग हो जाए कि चाहते हो कि नहीं चाहते, हम मर जाए चाहते हो। अरे ये जरा महाराज, उस पहली का नाम जरा था, वो जरा जिसने श्री कृष्ण के पांव में बाण मारा था ना, उसका नाम था जरा, जरयती जो सबको जला देती है, जरा बुढ़ापा, जरा माने बुढ़ापा होता है, सभी चीजों को वो जीर्ण बनाती है, शीर्ण बनाती है, सभी वस्तुओं को। आपके किए दुनिया में क्या क्या होता है, क्या आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में दुख आवे, कभी सोचा है क्यों आता है, आप बंधु वियोग नहीं चाहते, आप धन हरण नहीं चाहते, आप जन मरण नहीं चाहते, आप वन गमन नहीं चाहते, आप शरीर में रोग नहीं चाहते, बुढ़ापा नहीं चाहते, दांत टूटना नहीं चाहते, बाल पकना नहीं चाहते, क्यों होता है, आपके हाथ में क्या है, क्या है आपकी मुट्ठी में, आपके मन में दुख घुस जाए कि आप चाहते हैं, आप कभी तल्लभ्यते दुख वदन्यतः सुखम, जो दुख भेजने में इतना सावधान है वो क्या सुख भेजने में गलती करेगा आपको, जो बैरंग पार्सल से दुख भेजता है आपके पास, जबरदस्ती लेना पड़ता है, जबरदस्ती लेना पड़ता है,
वो क्या आपको सुख देना होगा तो उसमें भूल कर रहे थे इसको अन्यथा। क्योंकि जादव पांडव भगवान के अपने थे, द्वारका भगवान की अपनी थी, भगवान की इच्छा के बिना उनका नाश नहीं हो सकता था, इसलिए इस घटना की अन्यथा अनुपपत्ति रूप प्रमाण के द्वारा अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा, मीमांसा में अर्थापत्ति बोलते हैं, अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा ये सिद्ध होता है कि भगवान की ऐसी इच्छा थी। और अब आप अपने जीवन के बारे में सोचो ना, एक बार भगवान की शरण में कर दो, न धर्मनिष्ठोस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमास्त्वच्चरणारविन्दे अकिंचनो नन्यगते शरण्य त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये। धर्म में निष्ठा हुई नहीं, बार बार टूट जाते, बात करते हैं धर्म की, क्रिया होती है धर्म की, मन जाता है अधर्म में, मैं धर्मनिष्ठ में, आत्मा को ब्रह्म रूप से जाना नहीं, ज्ञानी हुआ नहीं, भगवान के चरणों में सच्ची प्रीति सच्ची भक्ति हुई नहीं, ऐसी कोई सामग्री ऐसा कोई संबल ऐसी कोई पूंजी अपने पास नहीं है। शरणागत में दो योग्यता चाहिए हो, एक तो आगे के लिए छिपा के पूंजी न रखे हो कि जब कहीं से नहीं मिलेगी तो ये काम मिलेंगे, और एक किसी दूसरे का सहारा ना हो, बस दो चीज जहां छूटी वहां समग्र जीवन, ज्ञानी का जीवन भगवत शरणागत होता है, वो पूंजी के आधार पर अपना जीवन नहीं चलाता, वो आदमी के सहारे अपना जीवन नहीं चलाता, इसलिए उसका समग्र जीवन भगवान के शरणागत होता है। शरणागत वही होगा जो अकिंचन होगा और अनन्य गतिक होगा, अनन्य गतिक सब भगवान की, सब भगवान की शरणागति होगी। अकिंचनो तो सच्चा शरणागत कौन होता है, सच्चा शरणागत ज्ञानी होता है, वो अपने शरीर को अपने जीवन को अपने मन को अपने धन को अपने अंतकरण को अपने अहम को परमेश्वर पर छोड़ सकता है, उसी में ये सामर्थ्य है। अच्छा जी, तो ये सब भगवान की ओर से, ये जदुवंश का नाश, पांडवों का नाश, द्वारका का डूबना, अब इतने पर भी वैराग्य न हो तो क्या करना,